This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिशन न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको देने वाले हैं यूट्यूबर्स के बारे में कुछ अपडेट्स। तो पहली अपडेट हम आपको देना चाहेंगे साहिल जोशी के बारे में। पहले यहां पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि साहिल जोशी के दो यूट्यूब चैनल्स हैं। तो एक मेन चैनल है जो साहिल जोशी व्लॉग्स, आप लोगों को पता ही होगा कि जिसमें वो व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉग्स वगैरह डालते हैं। दूसरा उनका चैनल है ओनली साहिल जोशी के नाम से, जिसको वो साहिल जोशी फिटनेस के नाम से बनाना चाहते हैं, क्योंकि उस पर वो फिटनेस से रिलेटेड वीडियो डालना चाहते हैं। तो उनके उन दोनों चैनल्स पे जो सब्सक्राइबर्स हैं 1 लाख और 10 लाख क्रॉस कर चुके हैं, जिसके लिए उनको यूट्यूब की तरफ से सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन मिल चुका है। तो उसी के बारे में साहिल जोशी ने अपने व्लॉग्स में क्या कुछ कहा, देखिएगा। साहिल जोशी ब्लॉग, वाह वाह कैसा लगा? बहुत अच्छा। फिटनेस तो हमारे घर में दो दो आशीर्वाद। टाइम मिला मैंने दिखा दिया मम्मी जी को पापा जी को, हम ऐसे आगे बढ़ते रहो बेटा, ऐसे सपोर्ट देते रहो, ऐसे प्यार देते रहो हमारे बच्चों को। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है कैरी मिनाटी वर्सेस थारा भाई जोगिंदर। तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि कुछ दिन पहले थारा भाई जोगिंदर को लेकर कोई एक व्यूअर जो है कैरी मिनाटी का लाइव स्ट्रीम के दौरान कैरी मिनाटी को बोलते हैं कि 30 सेकंड के लिए थारा भाई जोगिंदर को रोस्ट कीजिएगा, जिसमें थारा भाई जोगिंदर उन 30 सेकंड्स में थारा भाई जोगिंदर के जो डायलॉग्स होते हैं, थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, उन डायलॉग्स को रिपीट करके दिखाते हैं। जिसके बाद ऑब्वियसली थारा भाई जोगिंदर को एक ऑप्शन मिल गया है, एक चांस मिल गया इवन ये कहेंगे, और उन्होंने भी कैरी मिनाटी को लेकर अपना एक रिएक्शन वीडियो बना डाला है, और वो क्या है उस पर डालिएगा एक नज़र। तेरी कमी थी सोशल मीडिया के अंदर, तेरा सोशल मीडिया पे ऐसा स्वागत करूंगा, ऐसा स्वागत करूंगा तूने सोची नहीं होगी। तेरी औकात क्या मेरे सामने ये बताओ कैरी मिनाटी, अगर फूक मार दूंगा ना आसमान उड़ जाएगा, ये है तेरी औकात। एक बार अपनी वीडियो देख किसे पूछ के रोस्ट मार रहा है तू, रोस्ट मारेगा क्या कैरी मिनाटी? चश्मे तेरे को दिखता नहीं, दिन में चश्मे लगा के तू रोस्ट नहीं मारता है? हमारे इंडिया में बच्चा बच्चा रोस्ट मार सकता है, समझ में आ गई? थारा भाई जोगिंदर का रोस्ट लिए तेरे पैर के नीचे से जमीन घिसक जाएगी, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा तेरे पूरे शरीर में। मेरे को ये बता जोगिंदर की अगर औकात चेक करनी हो ना, अपने पड़ोसियों से जाकर पूछ लिए थारा भाई जोगिंदर कौन है, औकात के बारे में पता चल जाएगा। और मेरे पड़ोसी ये नहीं जानते कैरी मिनाटी कौन है, ये तेरी औकात है, समझ में आ गई? रोस्ट मारता है तू रोस्ट, अरे गाली देके तो कोई भी रो बन सकता है, तू यूट्यूब पे गाली बक बक के बच्चे का करियर खराब कर रहा है, और तू रोस्ट मार के व्यू ला के अपने आपको नंबर वन रोस्टर बोल रहा है। तू है क्या नंबर वन रोस्टर? अगर तू नंबर वन रोस्टर होता ना तो तू गाली वर्ड का यूज नहीं करता, तू आज की जनरेशन को, आज के यूथ को गंदा कर रहा है यूट्यूब के अंदर, गाली दे देकर वीडियो बना रहा है, इतने गंदे गंदे वर्ड यूज करता है, उसके बाद अपने व्यू के लिए अपनी वीडियो को वायरल कर रहा है, ये है तू कैरी मिनाटी। ओके गाइस, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ, और वो है ट्रिक्ड इंसान के बारे में। हम आपको बताना चाहेंगे कि टोनी कक्कड़ का एक नया गाना आया था, जिसको लेकर लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एक वर्ड को वो काफ़ी बार अपने लिरिक्स में यूज़ करते हैं, और उसी को लेकर बहुत बार उनको ट्रोल किया जाता है। और अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर लोगों ने उनको किस तरह से क्या क्या बोलकर ट्रोल किया था। तो अब जो है ट्रिक्ड इंसान ने भी उनको रोस्ट किया है, और किस तरह से किया है उसको हम थोड़ी सी क्लिप दिखा देते हैं। बाकी अगर आपको पूरा क्लिप देखना है तो आप ट्रिक्ड इंसान के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है टोनी कुरकुरे, मेरा जन्म एक्चुअली बचपन में ही हो गया था, और माँ मेरी लेडी थी, मैं पैदा हुआ ना, मेरे पैदा होते मेरे पापा ने बोल दिया था मेरा बेटा सिंगर, बस फिर क्या था वहाँ से शुरू हो गई मेरी सिंगर बनने की जर्नी। सारे अब तुम गाओ सा 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 सा। अरे तुम्ही बेटा रे गा मा पा धा नी सा कहाँ गया? वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। सर जब सा से काम चल सकता है तो रे गा मा पा धा नी सा की क्या जरूरत है? आप लोग ही बताओ यार, जब सा से काम चल सकता है तो बाकी रे गा मा पा की क्या जरूरत है? ओके गाइस, तो नेक्स्ट अपडेट है फुकरे इंसान के बारे में। आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ कि जो फुकरे इंसान है वो ट्रिक्ड इंसान के ही ब्रदर हैं। तो जो फुकरे इंसान है वो अपने चैनल पर एक Q&A
रखते हैं जिसमें उनसे एक सवाल पूछा जाता है, उसे उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपको जो एक्सपोजर मिला है वो आपके ब्रदर की वजह से मिला है, आपको जो चैनल को इतना ज़्यादा प्रमोशन हुआ है वो आपके ब्रदर की वजह से हुआ है, तो उसके लिए फुकरे इंसान क्या जवाब देते हैं वो आप सुन लीजिएगा। लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप ट्रिगर्ड इंसान के भाई हैं तो आपको इसलिए फेम, तो आप इस पे कुछ अपनी क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? देखो ऐसा है कि ऑब्वियसली वो मेरा भाई है एंड उसके सब्सक्राइबर्स मेरे से ज्यादा है, बट जब मैंने स्टार्ट करा था तब रिगार्ड उस लेवल पे नहीं था, उसके अराउंड 8 लाख सब्सक्राइबर्स थे एंड मैं उसके साथ मतलब 10 वीडियोस में एक वीडियो ही करता था स्टार्टिंग में, आप नोटिस कर सकते हो। बट आपको मेरे को ये बोलेगा कि रिगार्ड अब देखो ऑब्वियसली उसके 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, तो लोग यही बोलेंगे कि उसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा है तो उसकी वजह से फेमस हुआ। बट ब्रो ऐसे बहुत क्रिएटर्स हैं, निश्चय से भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके भाई बहन के भी चैनल्स हैं, बट व्हाट आई बिलीव कि लॉन्ग रन में पीपल वोंट सी कि आप किसके भाई हो किसके बहन हो, लोग यही देखते कि आपका कंटेंट क्या है क्या नहीं, एंड आई थिंक आई एम डूइंग जस्टिस टू माय कंटेंट, मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बनाया, इवन आई एम प्लानिंग टू मेक मोर कंटेंट जो बहुत डिफरेंट हो, एंड अगर भगवान की कृपा रही अच्छी हो तो हम भी जहां निश्चय भाई इस लेवल पे हैं हम भी उस लेवल पे पहुंचेंगे, एंड जब हम सेम लेवल पे आ गए तो फिर कोई ये नहीं बोल सकता कि तुम इसकी वजह से हो या उसकी वजह से हो या फलाना, आई एम वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स इट। हां ऑब्वियसली ही इज माय ब्रदर, तो जो इनिशियल बूस्ट मिलता है तो वो मिलता है, आई एक्सेप्ट इट, बट ऑब्वियसली इन लॉन्ग रन कोई मैटर नहीं करता, जो आपको ऑडियंस से कनेक्ट होता है एंड आप कितना अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हो। ओके गाइस, तो लास्ट अपडेट जो है वो हम देना चाहेंगे सौरभ जोशी के बारे में। सौरभ जोशी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हैं, घूमने जाने से पहले उनकी मम्मी उनको मना भी करती है लेकिन फिर भी वो लोग निकल जाते हैं, और वहाँ पर जाकर क्या कुछ नहीं होता है वो आप उनके व्लॉग में जाके देख सकते हैं, लेकिन उनको उस बात का पछतावा जरूर होता है कि उन्होंने अपनी मम्मी की बात क्यों नहीं मानी, और वापस आने के बाद वो उसी बात के लिए अपनी माँ से सॉरी भी कहते हैं। तो उसी वीडियो की एक छोटी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ, अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो सौरभ जोशी व्लॉग पर जाकर देख सकते हैं। ओ भाई साहब गिर गया, लगी तो नहीं मेरे यार वॉलेट भीग गया, पाँव में तो लगी। लाइफ की सबसे बड़ी गलती है मेरी, मेरा गोप्रो मेरा माइक मेरा सब कुछ गीला हो चुका है, इतनी गंदी वाली फीलिंग आ रही है कि क्यों आया मैं यहाँ पे, अरे रुक गया मेरे लिए, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो गाइज यहाँ आप लोगों ने देखा कि जो सौरभ जोशी हैं वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पहाड़ों में घूमने के लिए आते हैं जहाँ पर उनको रिवर भी क्रॉस करनी पड़ती है, लेकिन एकदम से बारिश शुरू हो जाती है जिससे उन नहर में पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है, वो पानी में गिर भी जाते हैं, उनकी बाइक पहली ही नहर में गिर जाती है, और बाद में जब वो वापस आते हैं तो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। उनके फ्रेंड जो हैं उनको लेने के लिए आते हैं, उनकी गाड़ी भी वहाँ पानी में स्टक हो जाती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब इस तरह से बरसात का मौसम होता है तो हमें यहाँ पर पहाड़ों में इस तरह से घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए, और कुछ इसी तरह से इनकी मम्मा ने भी इनको ये सब कहकर मना किया था लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं और फिर भी यहाँ घूमने आ जाते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें इनके साथ होती हैं तो सौरभ जोशी को रियलाइज़ होता है कि जो उन्होंने किया था वो गलत था, और वो वापस जाकर अपनी मम्मी से माफ़ी मांगते हैं। आप इतना डांटोगे मैं उसके लिए पहले सॉरी बोल रहा हूँ, मैं आज के बाद जाऊंगा नहीं। क्या हुआ? बस जो भी हुआ ना मैं बोल के बता नहीं सकता आपको। मतलब क्या हुआ? मैं आज के बाद खुद ही कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसको तो मजा आया, तो मजा। हाँ वैसे कुछ अलग एक्सपीरियंस था लेकिन ये देखो हम सुनो हम जा रहे थे मंदिर लेकिन बारिश होगी रास्ते में, नहीं गिरे मैं गिरा था, बस मैं गिरा था एक बार, नहीं बारिश पकड़े बारिश से पकड़े बना दूंगी, तुम्हारे कपड़े बदलो चाय चीज। हाँ नहाते हैं कपड़े क्या आज के लिए रोज समझाते हैं ना, अब आगे समझ में मैं रोज तभी तो कहती हूँ बरसात का टाइम है, हमें पता है हम एक्सपीरियंस ही दूंगा हमारे पास।